फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता क्रिएशंस। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ चटपटी भरमा भिंडी। ये बनाना बहुत ही आसान है, आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। आइए हम भरमा भिंडी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आधा किलो भिंडी ली थी, इन्हें धो के साफ करके रखा हुआ है और बीच में से चीरा लगा के रख लिया है। एक बड़ा प्याज मैंने काट के रखा हुआ है, 2 बड़ी चम्मच मैंने तेल लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर पेस्ट लिया है। ये मैंने खटाई के लिए एक कच्ची करी को छील के इसका पेस्ट बनाया है। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 छोटे चम्मच मैंने बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। आइए हम भरमा भिंडी बनाने के लिए मसाला बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए, बाउल में 2 चम्मच तेल डाल दीजिए, इसमें ये जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये जो कैरी दी थी मैंने छील के इसका पेस्ट बनाया है, ये भी इसमें मिला दीजिए। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, इसको अच्छे से मिला दीजिए। ये मसाला बन के रेडी है, और इसको भिंडियों के बीच में ऐसे डालना है। देखिए इस तरीके से आप भिंडी भर लीजिए। बेसन सेक लेते हैं, इसको हल्का सा सेकना है। ये देखिए बेसन सेक गया है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तेल दिया है, जीरा डाल देंगे, ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अब प्याज को अच्छे से सेक लेंगे। इसमें ये मैंने जो भर के भिंडी रखी हुई थी ये डाल देंगे। ये जो बचा हुआ मसाला था ये भी इसमें डाल देंगे। ऊपर से थोड़े सूखे मसाले डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मसाले के साथ सेक लीजिए, इनको ढक के पका लीजिए। फिर रेडी है, इनका ये सेका हुआ बेसन डाल देंगे। इसको एक दो मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। रेडी है, भरमा भिंडी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।